नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो सब? शाह सगे। सो आज मैं स्पेशल पुस्तक बनाने जा रही हूँ। आई नो आपको वो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि सबकी पसंद रहती है प्रॉन्स। यस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स बिरयानी। तो इसे वॉश करके रखिए, ये मैं 4 आवर्स बिफोर कर रही हूँ। और आप देख सकते हो इसमें ये प्रॉन्स में वो ब्लैक धागा है ही नहीं, तो मैं ये ऐसे यूज कर रही हूँ। अब इसमें हल्दी थोड़ी और फिर मिर्ची पाउडर। अब लेते हैं जीरा पाउडर, जो मेरा वाला मसाला है मेरे घर पे, वो मैं यूज़ कर रही हूँ जो घर पे बना है। और ये धनिया पाउडर, नींबू थोड़ा और जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा दही। ये सब डालने से ना बहुत अच्छी टेस्ट आती है प्रॉन्स को। थोड़ी अभी मिर्ची पाउडर, मिर्ची, धनिया और ये पुदीना भी डाल, थोड़ा सा नमक, ऑयल थोड़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घी। मेरे पास ये बिरयानी मसाला है, तो मैं थोड़ा मिक्स करके डाल रही हूँ। अब मिक्स करते हाथ से। मैंने यहाँ पे प्रॉन्स का ऊपर का जो कवर रहता है, ऊपर का जो पता है वो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग वो निकाल के क्लीन करके रखते हैं, बट यहाँ पे जो मिलते हैं प्रॉन्स ऊपर से वो जो काला धागा रहता है वो यहाँ पे नहीं रहता, वो ऑलरेडी क्लीन करके देते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ऐसे ही प्रॉन्स यूज किए तो भी उसको बहुत अच्छी टेस्ट आती है, ट्रस्ट में। प्रॉन्स को मैरिनेट करके 4 आवर्स के लिए साइड में रखिए, क्योंकि उससे सब अच्छे से मसाले उसके ऊपर कोट हो जाएंगे। और आपको तो पता है सब मसाले एक साथ आए तो क्या जबरदस्त खुशबू आती है, जबरदस्त टेस्ट आती है। तो चले अब अनियन फ्राई करते हैं। अब बर्तन रखा है, अब उसमें कुछ खड़े मसाले डालते हैं। थोड़ा गैस ऊंचा ही करने दो। अब उसमें डालते हैं तेजपत्ता, सौंफ, दालचीनी, इलायची, सौंफ है, नमक है, उसमें घी भी डालेंगे, लवंग है और जीरा अगर आपको चाहिए तो। अभी घी डालते हैं। मिक्स कर लो। जब तक पानी को उबाल नहीं आता तब तक हम लोग प्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने जो 4-5 आवर्स बिफोर ये मैरिनेशन किया था वो अभी बहुत अच्छे तरह से मैरिनेट हो गया है। अब इसमें अब सेम इसमें ऑयल थोड़ा और घी थोड़ा, ज्यादा नहीं। अब ये फिर से जो खड़े मसाले हैं वो इसमें ऐड करते हैं, तेज पत्ता और ये सब। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा, मिक्स करते हैं। खड़े मसाले गए, अभी इसमें हम गैस कम करके थोड़े मसाले डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉन्स में हम लोगों ने डाले हैं मसाले। तो थोड़े थोड़े मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और
धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर, और ये जो मैंने घर पे बनाया हुआ मसाला है वो है, और थोड़ा बिरयानी मसाला, यस, और ये पास पास जलने ना दे, और इसमें अभी भरेंगे टमाटर। अब ये टमाटर उसको थोड़ा सा मेल्ट होने दो इसमें मसाले में, तब तक ये तो उसको उबाल आ चुकी है राइस, इसमें हम राइस अभी राइस 90% बॉईल हो जाए ऐसे चेक करते रहो, तब तक ये मेल्ट हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट मेल्ट होने को आए हैं, तो उसमें मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे बेबी को आलू पसंद है, मेरे बच्चे को पसंद है, तो मैं थोड़े आलू इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा धनिया, ये जो हम लोगों ने फ्राई किए थे अनियन वो उसमें थोड़े जाएंगे। अब इसमें जाएंगे प्रॉन्स, पूरे प्रॉन्स इसमें, बहुत सारे प्रॉन्स है मुझे पता है। अब आप लोग सोच रहे रहेंगे कि मैंने इसका ऊपर का छिलका नहीं निकाला, लाइक कवर, प्रॉन्स का कवर नहीं निकाला, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे, इसलिए तो बहुत लोग नहीं निकालते, कुछ लोग निकालते हैं, सो सब आपकी तरह से इसको ढक के रखते हैं। प्रॉन्स को ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो जल्दी पक जाते हैं, और राइस को भी 90% ही कुक करना है, राइस को 90% तक पकने दो। तो जब तक प्रॉन्स हो नहीं जाते तब तक एक गाना सुना दो, मेरा फेवरेट है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आजा लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। इसको मिक्स करो, इसमें धनिया, थोड़ा पुदीना डाल के थोड़ा मिक्स कर दो, राइस ऑलमोस्ट डन है। अब ऐसे राइस को यहाँ पे डाल दो जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए, पानी नहीं बचना चाहिए, इसको निकालना है। अब इसके ऊपर राइस जाएगा, और ऊपर से थोड़े अनियन और ये प्रॉन्स। अच्छे से सेट कर दो, अच्छे से लेयर बनाओ पुदीना, धनिया और फिर अनियन।
एंड हियर ऑल सेट। अब इसको अलग अलग तरीके से हम लोग पैक कर सकते हैं, लाइक आटा लेके, नहीं तो फॉइल लेके जैसे मैंने लगाया है। और ये हमारी प्रॉन्स बिरयानी रेडी है, देखिए। प्रॉन्स बिरयानी रेडी। चलो आप भी एंजॉय करो, आप भी घर पे करके देखो, बहुत सिंपल है। सिर्फ ऑलरेडी आपने सब रेडी करके रखना है, आप सिर्फ सब तैयारी करके रखो, सब तैयारी होगी तो ही फास्ट होगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरा वीडियो लाइक अच्छा लगा, मेरी प्रॉन्स बिरयानी रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।